हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं दिनेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, प्रोजेक्ट सेक्टर 36 सोहना में सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 में अभी सेकंड फेज़ इसका बिल्डर लॉन्च करने वाला है। जल्दी हफ्ते से 10 दिन मैक्सिमम इसका सेकंड फेज़ लॉन्च हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट फेज़ की डिमांड थी 2 BHK, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.25 महीने में पूरे के पूरे बिक चुके थे। और टॉप फ्लोर का इसकी एक और ख़ासियत थी कि टॉप फ्लोर पे आपको टेरेस मिल रहा है, टॉप फ्लोर पे आपको टेरेस मिल रहा है। तो टॉप फ्लोर भी जल्दी सोल्ड आउट हो गया था। तो डिस्कस करेंगे इसके साइजेस के बारे में, कितने एकड़ की साइट है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर बात करें सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 की, तो टोटल ये 25 एकड़ की लैंड पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। लगभग अगले 2 साल में ये पोजीशन आपको दे देगा। अभी इसके सेकंड फेज़ में बिल्डर जो इसकी फ्रोज़न यूनिट्स थी उसको मार्केट में लेके आने वाला है। तो जो इसका साइज़ था 2 BHK और 3 BHK में ये प्रोजेक्ट था, अभी प्राइस भी इसके काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं सिग्नेचर के और सभी बिल्डर्स के। किस किस का मतलब किस किस का हम जिक्र करें, सभी बिल्डर्स ने अपने अपने प्राइस इंक्रीज़ किए हैं इस मंथ में। तो अभी अगर हम बात करें सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 की, जो कि सोहना में सेक्टर 36 में है, बिल्कुल दिल्ली टू बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो अपना रोड है उसके बिल्कुल लगती हुई लैंड है। अगर हम गुड़गांव से सोहना की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला प्रोजेक्ट यही आता है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अच्छा प्रोजेक्ट है। 25 एकड़ का कैंपस भी काफ़ी अच्छा होगा, एक लग्जीरियस फीलिंग होती है। तो इसमें 2 BHK और 3 BHK के जो लेआउट्स थे, 2 BHK में बिल्डर आपको 951 स्क्वायर फिट, 951 स्क्वायर फिट आपको 2 BHK का साइज़ बिल्डर दे रहा है। अगर 3 BHK की इसमें बात करें तो 3 BHK में बिल्डर आपको 1081 का साइज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा है 3 BHK में। 3 BHK में इसमें आपको 3 बेडरूम के साथ 2 टॉयलेट्स मिलेंगे और 2 BHK प्रॉपर आपको 2 BHK मिलेगा। प्रोजेक्ट में अब लगभग 800 यूनिट बिल्डर निकालने वाला है। लगभग 800 यूनिट में दोबारा बुकिंग अभी शुरू होने वाली है। तो जो प्राइसिंग आएगी, जो प्राइस स्टार्ट होगा, वो प्राइस आपका लगभग आप मान के चलिए 48 से 50 के बीच में इसकी स्टार्टिंग बेसिक कॉस्ट की होगी। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सारी इसमें फैसिलिटी है, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड एरिया, सीनियर सिटीजन सिटिंग्स वगैरह, और हर एक फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। जकूजी, गजीबो, हर एक चीज़ इसमें आपको बिल्डर दे रहा है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट में आपको ग्राउंड+4 का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ग्राउंड+4 में आप स्टिल्ट पे आपको पार्किंग मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर के साथ आपको टेरेस मिलेगा। इंडिविजुअल आपको घर मिल रहा है। अगर आप लिफ्ट में एंट्री करते हैं तो जहाँ लिफ्ट आप फर्स्ट फ्लोर पे आप रुकेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एक ही अपार्टमेंट होगा, वो आपका खुद का घर होगा। तो एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट आप बोल सकते हैं, इंडिविजुअल फ्लैट आप बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, एक इंडिपेंडेंट हाउस आपको मिल रहा है। तो अच्छा ऑप्शन है, इसको जाने ना दे, क्योंकि अभी प्राइस और भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। जितने प्राइस सोहना के इंक्रीज़ हुए हैं प्राइस, अदर एरिया में उतने इंक्रीज़ पिछले साल या पिछले 2 साल में उतनी उछाल प्रॉपर्टी के दाम में जितना सोहना में आया है और द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी लगभग आया है, कहीं और नहीं है गुड़गांव में। तो अच्छा ऑप्शन है प्रॉपर्टी ख़रीदने का, अच्छा ऑप्शन है एक लग्जीरियस फ्लैट लेने का। 80% आपको लोन की सुविधा इसमें मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और सोहना के ऊपर तो मैं आपको 2-3 वीडियो पहले भी दे चुका हूँ। सोहना में क्या कुछ डेवलपमेंट होनी, आने वाले टाइम में क्या कुछ सोहना बनेगा, अभी क्या है सोहना, अभी रिसेंटली सोहना का जो एलिवेटेड फ्लाईओवर जो बना है गुड़गांव से सोहना तक, वो चल चुका है, आज की डेट में रनिंग में है। बादशाहपुर से आगे सोहना तक पूरे का पूरा पैच कंप्लीट है। आज अगर आप जाते हो तो मुश्किल से मुश्किल वाटिका चौक से और सोहना तक, इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने में आपको 10 मिनट लगने हैं। तो दूरी के मामले में कुछ भी नहीं है,
बहुत ही नज़दीक प्रोजेक्ट है, साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना। गुड़गांव का एक वो पार्ट है जो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा और स्पेशल एरिया निखर के आएगा। उस सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर बिल्डर भी अच्छा है, अच्छे प्रोजेक्ट निकाल रहा है, तो बिना डिले किए हुए इस प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए टोटल इसके बारे में तो आप कॉल करके व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्द ही एक दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ, पार्क 4 5 की कंस्ट्रक्शन स्टेटस, 1 एंड 1 2 एंड 3 यानी पार्क के सभी फेज़ की मैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी आपको जल्द ही देने वाला हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।